विजेच्या खांबामध्ये करंट उतरल्यामुळे जवळच खेळत असलेल्या 8 वर्षीय चिमुकल्याचा शॉक लागून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे। रात्री 9 ते 9:30 वाजेच्या दरम्यान ही घटना घडली आहे। धुळे शहरातील वडजाई रोड गफू नगर परिसरात या चिमुकल्यासह इतर मुले देखील खेळत असताना या चिमुकल्याने विजेच्या खांबाला हात लावला असता त्याला विजेचा जबरदस्त धक्का बसला आणि यात या चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे। हर्षद अहमद अशफाक मोमीन वय 8 वर्ष असे मृत झालेल्या मुलाचे नाव आहे। हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या धक्कादायक घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली। वीज वितरण विभागाच्या गलथान कारभारामुळेच या बालकाचा मृत्यू झाला असल्याचा आरोप लावत स्थानिकांनी व नातेवाईकांनी संबंधित वीज वितरण अधिकाऱ्यांवर कलम 302 चा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत संबंधित अधिकाऱ्यांसह तात्काळ निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी केली आहे। यापूर्वीच बहुतांश वेळा परिसरातील नागरिकांनी वीज वितरण कार्यालयामध्ये निवेदन देऊन समस्या सोडवण्यासंदर्भात मागणी केलेली असताना वीज वितरण विभागातर्फे जाणीवपूर्वक सर्व समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जात होते आणि वीज वितरण विभागाच्या याच दुर्लक्षितपणामुळे या चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला। यास कारणीभूत असलेल्या वीज वितरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर या संदर्भात कठोरात कठोर कारवाई करावी, अन्यथा जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा परिसरातील नागरिकांनी व नातेवाईकांनी वीज वितरण विभागाला दिला आहे। आज करीब 9:30 बजे के दरमियान अर्शद अस्पाक नाम का एक 8 साल का बच्चा है, यहाँ पर ये पोल आपको दिखाई दे रहा है। इस पोल के ऊपर उसको टच होने की वजह से वो बच्चे का इंतकाल हो गया, उसकी डेथ हो गई। यह हादसा हो गया, यह बहुत बड़ा हादसा है। यह हादसा MACB बोर्ड विद्युत मंडल की कोताही की वजह से हुआ है। ये कोताही जो है बार बार हो रही है, इनको बार बार यहाँ पर जो गली के लोग है, यहाँ के जो सोशल वर्कर हैं, इन्होंने बार बार वहाँ तकरार नोंद कराई है। पिछली 3 बार की तकरार नोंद हमारे पास मौजूद है, उसके बावजूद भी MACB बोर्ड के लोगों ने इस तकरार के ऊपर ध्यान नहीं दिया, काना डोला किया। आज हमारा एक छोटा मासूम बच्चा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, आज उसकी डेथ हो गई है। हम सब पूरी पब्लिक की तरफ से, गफूर नगर वासियों की तरफ से ये डिमांड करते हैं कि उनके ऊपर 302 कलम के हिसाब से, मर्डर के हिसाब से उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। इस बच्चे को, बच्चे के माँ बाप को कंपनसेशन मिलना चाहिए MACB बोर्ड की तरफ से। और हम आपको इंतबाह कर रहे हैं, इन लोगों को चैलेंज कर रहे हैं और आखिरी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर से ये सारे मामले अगर से दुरुस्त नहीं हुए तो हम आने वाले कुछ दिनों के अंदर बहुत तेज आंदोलन करेंगे। और जो आज का जवान, जो यहाँ के इंजीनियर है, जो आज मौजूद है, चार्ज पर है, उनको आज के आज सस्पेंड किया जाना चाहिए। जो कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं उनके ऊपर दंड लगाना चाहिए, उनकी सर्विस बुक पे नोन करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम बहुत तेज आंदोलन करेंगे मोहल्ले के लोगों के साथ में। अजहर पठान, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, धुळे। नवनवीन घडामोडी पाहण्यासाठी स्टार महाराष्ट्र न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि ताज्या बातम्यांचे अपडेट मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा आणि परिपूर्ण बातमी बरोबर रहा इतरांपेक्षा एक पाऊल पुढे।